दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। जय मुलेतर, जय माता जी। तो फिर का आज भी ब्लॉग अपलोड करना है ऐसा सोचा है। तो आज के ब्लॉग में जो भी पूरा सा कुछ इंटरेस्टिंग है आज के ब्लॉग में आपको देखने का थोड़ा सा मजा आएगा ऐसा है। तो ब्लॉग पर अंत तक बने रहे ना, और कैसा लगा वो कमेंट करना। और अब तो कमेंट बहुत अच्छी अच्छी आने लगी है, सबको रिप्लाई भी देता हूँ और बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो आगे ही सपोर्ट देते रहना। तो चलिए ब्लॉग पर अंत तक बने रहें और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अभी भैया और पापा जा रहे हैं वो बारा तानने के लिए, क्योंकि कल रात में एक खेत फिर से रेडी हो चुका है। भैया आ गया है ट्रैक्टर लेकर, और ये खेत कल शाम को ही रेडी कर दिया था रात में ही। अब इसमें पारा ही तानना है। और मोटर ये चालू है वैसे, जो जाती है घर पर पानी, कल वीडियो में देखा हो तो वो ये वाले कुएं से आता है। अब यहाँ पर वर्कर्स के रहने की जगह है, सब कुछ सुविधा है, पानी बानी कुआ सब यहाँ पर ही है। तो शुरुआत की है यहाँ से, ये खेत अभी एक दो घंटे में ख़त्म हो जाएगा, एक ही घंटा लगेगा शायद। तो अभी तो यहाँ पर जो कल गेहूँ निकाले थे ट्राली में ही रखे थे, वीडियो में आपने कल देखा हो तो। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे डालेंगे फिर, क्योंकि ये जो वाले जो गेहूँ हैं ट्रैक्टर में जो है वो बेच दिए हैं, और यहाँ पर जो साइड में पड़े हैं वो तो हमें रखने होंगे घर के यूज़ के लिए और फिर आने वाले साल में लगाने के लिए। तो अभी जो गेहूं डाले थे वो तोल करने के लिए आ गए हैं, तो अभी थोड़ा सा तोल कर रहे हैं, वो आपको वीडियो से थोड़ा सा बता देता हूं। क्योंकि यह जो तोल का वीडियो है वो साल में दो तीन बार होता है, क्योंकि जितनी फसल हम लगाते हैं दो फसल या फिर तीन फसल उतना ही तोल होता है, तो वीडियो में वैसे कम आता रहता है। तो सोचा कि आपको दिखाई दूँ। फिर अभी जीरा को जो भी है वो भी जीरा को भी हमें बाज का भर के डालना है। अभी गेहूं का जो ये काम है वो खाली होने जाने के बाद वापस से हम जीरा का सो थोड़ा सा व्लॉग हम बनाएंगे।
और यहाँ पर ये जो जीरे का जो है वो सूखने के लिए रखा था, तो अभी इसको बेचने का नहीं सोचा है हमने, तो अंदर स्टोर करना है। तो बाज का ये जो कल चाचा ओढ़नी लेने के लिए भी गए थे, तो ये बाज का भी ले आए साथ साथ में ताकि भर सके। तो अभी इसका तोल करके भर रहे हैं ताकि एक अंदाज़ा निकल पाए कि जीरा कितना हुआ है या फिर तो कितना होगा। तो फिर ये सब अभी तो बाज का जो है वो भरना है। तो अभी अंदर स्टोर कर दिया है ये जीरा, ये इतना थोड़ा सड़ा बाज का में हमने ये तोल माप करके डाला हुआ है। अभी बाहर थोड़ा सा पड़ा है, वो कल बारी बीच में जगह रखी है क्योंकि उसमें क्या है फिर चूहे इसमें ना कोई दिक्कत दे, इसलिए इतना जीरा अंदर आ गया है ये। और यहाँ पर तो मूंगफली अंदर पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर जीरा रखने की जगह नहीं थी वैसे। बाकी के जो गेहूँ एक खेत के थे वो दे दिए हैं, टोल करने आए थे वो भी जो आपने आगे देखा। बाकी ये पूरा स्टोर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये फोरवीड का पीछे वाला वूफर है जो निकाल दिया था, वहाँ पर गेहूँ पड़े हुए हैं पिछले साल के लगाने थे, लेकिन हमने जीरा लगाया तो इतने ज़्यादा ड्रम अभी भरे हुए हैं और इतनी प्याज निकाली है। तो वो इतना जीरा पड़ा हुआ है और कल शायद थ्रेसर आएगा जो वो निकल देगा, और वहाँ पर वो वाले खेत में है वो भी निकाल देगा। और बाकी एक खेत में गेहूँ है जो कंबाइन कब आएगी, और यहाँ पर अभी ओढ़नी फिटिंग हो रही है क्योंकि कल से मूंग में वावतर चालू होगा। तो फिर आज का जो व्लॉग है दोस्तों वो हम एंड करेंगे, मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में। अभी आज का व्लॉग क्या है थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ शूट हुआ नहीं था, वैसे जितना मीडियम साइज़ का बोल सकते हैं उतना तो आ ही जाएगा, बहुत छोटा नहीं रहेगा बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा देखने को क्या है थोड़ा सा अच्छा लगे। और अभी चार पांच वीडियोस हैं ना बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा, आप कहो ना सब्सक्राइब भी इतने अच्छे, व्यूज़ भी इतने अच्छे, ड्यूरेशन भी कहो इतना अच्छा, क्लिक थ्रू रेट कहो इतना अच्छा, तो बहुत ही अच्छा वीडियो बन रहा है तीन चार दिन से ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि वीडियो अच्छा बनने पर ही यूट्यूब वीडियो को शेयर करता है, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो इसके हिसाब से बहुत ही आप सबको दिल से थैंक यू सो मच, जितना आप मानो उतना कम है क्योंकि एकदम दिल खुश हो जाता है, थोड़े से भी सब्सक्राइब बढ़े ना तो एक अलग ही फीलिंग आती है दिल में कि नहीं सब्सक्राइबर जितने बढ़े। और वीडियो अपलोड कर दूँ मैं, अभी तो 9 बजे वीडियो आ रहा है, थोड़ा सा देर भी हो जाती है, तो वीडियो अपलोड करने के बाद देखता हूँ कितने व्यू हुए कितने सब्सक्राइब आएंगे, और सब देखने की एक अलग ही खुशी होती है। अब तो ये टेव मानो तो टेव बोल सकते हैं, अब तो वीडियो अपलोड जब भी नहीं करता मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड नहीं करता तो व्यूज़ भी नहीं देखने होते थे, कुछ भी नहीं होता, तो अभी तो वीडियो अपलोड करने का अच्छा लगता है, दिल से खुशी मिलती है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट और ज़्यादा दिखाइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।